ऐसे क्या आप सब लोगों को पता होगा, आगे मैं बोलूंगी। तो आज सभी को पता है जो है महाशिवरात्रि, तो आज हर्ष की भी छुट्टी है, प्रीशा की भी छुट्टी है ना प्रीशा। तो हम लोग अभी पहले घर में पूजा करेंगे, उसके बाद में जा रहे हैं मंदिर, तो आपको भी दिखाएंगे कैसे पूजा कर रहे हैं आज, है ना प्रीशा। तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, तो वहीं हम लोग जाएंगे अभी। पहले हम लोग घर की पूजा कर लेते हैं, तो चलो। बोलो प्रीशा, ओम नमः शिवाय, बोलो बोलो, ओम नमः शिवाय, वेरी गुड। तो चलो पहले पूजा करते हैं। घर की पूजा हो गई है, ओम नमः शिवाय। ईशा बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जी बाबा। हो गई है पूजा और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और मुझे ऐसा पता चला है कि 108 चावल के दाने शिवजी पे चढ़ाने चाहिए, तो अभी हम वही 108 चावल के दाने काउंट करेंगे और वो लेकर जाएंगे। दूध तो लेकर जा ही रहे हैं, बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो चलो पहले दाने ले लेते हैं चावल के। कहाँ जाइए प्रीशा? मंदिर। मंदिर जाइए। चलो तो मैं अभी 108 चावल के दाने काउंट कर रही हूँ, तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 तो फ्रेंड्स मैंने 108 चावल के दाने काउंट कर लिया, ऐसा दिखेगा, एकदम इतने से दिखेंगे। तो ये देखो, ये है पूरे 108 चावल के दाने। ऐसा लग रहा है अरे ये तो 108 नहीं है, पर ये पूरे 108 है, मैंने पूरे अच्छे से काउंट किया, मैंने किए और सारे पूरे पूरे हैं चावल, इसमें टूटा एक भी नहीं होना चाहिए। तो चलो अभी चढ़ा के आते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने भी अभी ले लिया चावल, हर्ष ने भी 108 चावल के दाने लिए, मैंने भी लिए, तो हम दोनों चढ़ा देंगे। और ठीक है प्रीशा, दूध का पैकेट, दूध का, तो दूध का पैकेट भी चढ़ाएंगे, एक पैकेट ले लो। चलो बहुत ठंडा है, वहां जाते तक हो जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं। और हर्ष यहाँ पे बेलपत्र तोड़ रहा है, नहीं बहुत सारे बेलपत्र और ले ले, तू भी चढ़ाएगा प्रीशा भी ना। वहाँ पीछे मंदिर, ये रे बेलपत्र, इसको पहले धो लेंगे वहाँ। हाथ धो ले अपना, शूज को हाथ हाथ तो नहीं लगा। नहीं। उधर उधर है शिव जी का, शिव जी का। Thank you.
पीछा जय जय किया चलो चलो अब हम लोग जाएंगे शॉप पे कुछ लेने। कुट्टू का आटा लेना है। कुट्टू का आटा क्या खाएगा आज व्रत में? हम लोग आ गए हैं पूजा करके और ये लेकर आई हूँ मैं। आज हम लोगों का व्रत है तो कुट्टू के आटे की पूड़ी बनेगी, आलू झोल की सब्जी और आलू का हलवा। ये तीनों चीज अभी लंच में बनने वाली है तो ये लेकर आई थी मैं। तो चलो और आज हर्ष को पढ़ाना भी है, वही सब चलने वाला है। आज उपास है तो बना है आलू झोल की सब्जी, आलू का हलवा और कुट्टू की पूड़ी। कैसा बना? अच्छा। आलू का हलवा। हाँ। A few moments later. तो अभी डिनर में बना है साबुदाना वड़ा और धनिया की चटनी। हर्ष कैसा है साबुदाना वड़ा? बहुत अच्छा है। पीछा खाएगी? खाते रखेगी। नहीं, फूक मार के खिलाएंगे। ठीक है? ठीक। The next day. पिशा क्या बना है? डोसा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गोकल। तो आज हर्ष का है सेकंड पेपर, अभी बस आने ही वाला है हर्ष, लेकिन हमें थोड़ा सा काम है तो हम लोग पहले बाहर जाकर आ रहे हो। पिशा क्या दिखा आपको? प्रीशा का स्कूल दिखा। प्रीशा को इसमें बताओ आज कहाँ पे? वहाँ पे। ठीक है, आज प्रीशा की छुट्टी है, आज सैटरडे है तो उसकी छुट्टी होती है और हमारा काम हो गया है और अब हम घर जा रहे हैं। और हर्ष हमें रास्ते में ही हर्ष की बस दिखी थी आते हुए तो वो पहुंच गया होगा। अब देखते हैं वो क्या कर रहा है। उसका आज सेकेंड पेपर था, इंग्लिश का पेपर था आज उसका, तो देखते हैं उसको जाके। ये रहा हर्ष। हर्ष हमसे पहले आ गया। कहाँ गए थे हम ऐसे बाहर गए थे। हर्ष, हाउ वाज योर पेपर? गुड। गुड। चलो शो मी योर पेपर, दिखाओ चलो जल्दी कम। तो ये रहा हर्ष का इंग्लिश का पेपर। मैं बताती हूँ। और बहुत बड़ा पेपर आया हर्ष तुम्हें? हाँ, बहुत बड़ा पेपर आया। कर लिया पूरा? बड़ा तो होना ही था क्योंकि इंग्लिश का था। तो देखो पहले था इनको अनसीन पैसेज, उसके बाद पिक्चर कंपोजिशन, उसके बाद में है पैराग्राफ राइटिंग, फिर लेटर राइटिंग, फिर ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हुआ यहाँ पे, फिर उसके बाद ये पूरा ग्रामर में आता है, ये नेगेटिव क्वेश्चन मेकिंग, ये वो और सेंटेंस रीराइट ईच सेंटेंस, ये सब ग्रामर में था इनको। और फिर ये है नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर्स के, ये 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 और ये ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिमिली, सिनोनिम्स और ये सब। चलो तो मैंने अभी देखा हर्ष का पेपर बहुत अच्छा गया है,
80 में से उसको 75 तक तो मिल ही रहे हैं, लेकिन मैंने 5 मार्क्स अभी ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि हो सकता है किसी चीज में स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह में वो काटे, बाकी तो वैसे उसने सब सही किया है जो मेरे को बताया। तो चलो देखेंगे फिर इन लोगों का एग्जाम खत्म हो रहा है 20 मार्च को, और उसके बाद में जो नेक्स्ट सैटरडे जब भी आएगा तब इनका वो दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे और पेपर्स भी दिखाएंगे, तो तब देखेंगे। अभी 2 पेपर हो चुके हैं हर्ष के। हम लोग अभी जा रहे हैं मूवी देखने, यहाँ पे आर्टिकल 370 मूवी लगी है, तो बहुत अच्छा, उसका रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, तो अभी हम लोग बस निकल रहे हैं मूवी देखने के लिए। भारत आजादी की पहली स्प्रिंग जगत हिंदुओं को सम्मान बंटवाए की याद, जिसके अंतर्गत एक अलग विधान सब कुछ इतना अच्छा था। मूवी खत्म हो गई और बहुत ही अच्छी मूवी थी, देखना चाहिए, और ये ट्रू स्टोरी है तो सभी ने जरूर देखना चाहिए कि किस तरीके से आर्टिकल दोबारा हुआ था, क्योंकि पहले तो एक बार हो चुका था फिर वो डिलीट किया गया। तो बहुत कुछ है जो कि आपको मूवी में देखने मिलेगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जरूर जाके देखना और बच्चों को भी दिखाना, बहुत अच्छी स्टोरी है।